आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's no शिवरात्रि और शिवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं खड़ी हुई हूँ किचन में। तो एक्चुअली बच्चों ने अंदर टीवी चलाया हुआ है इसलिए, और आज मैंने पहनी है साड़ी। तो कैसी लग रही है मेरी ये साड़ी, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये शिफॉन की साड़ी है, बहुत लाइट वेट है। वैसे मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ लेकिन लाइट वेट है तो इसलिए मैंने डाली थी, चलो कि आज शिवरात्रि है इसलिए। और अभी मैं करने जा रही थी पूजा, तो सोचिए चलिए पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ क्योंकि सनी भी बहुत परेशान कर रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, पहले पूजा वगैरह कर दूँ। मतलब कान्हा जी को मैंने नहला दिया है, उनको रेडी कर दिया है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है मेरा मंदिर, और ये मंदिर मैंने सुबह ही क्लीन किया था, और ये मैंने छोटी सी ना अलमारी में ही मंदिर को सेट किया हुआ है। एक्चुअली हमारे घर में ना पूजा वगैरह पहले होती नहीं थी बिल्कुल भी, और जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने अपना मंदिर जमा लिया ऐसे ही अलमारी के अंदर, और तब से ही यहीं पर है। और अभी मेरा बेटा छोटा है ना, तो उसकी वजह से मुझे मंदिर को बंद करके रखना पड़ता है। और अभी मैं कर लूँगी पूजा, और आज मैंने पहनी थी साड़ी। और देखिए मेरा बेटा मेरी गोद में ही बैठा हुआ है, और वो मुझे बहुत परेशान करता है पूजा वगैरह करने में, उसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो छोटे बच्चे के साथ में कितना मुश्किल होता है ये सब काम करने। और अभी तो जैसे तैसे मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए ऐसे ही, और मैं किताब पढ़ रही थी यहाँ पर भगवान जी की, मतलब शिवरात्रि थी आज तो पूजा कर रही थी, तो किताब में से ही कहानी वगैरह पढ़ लेती हूँ मैं। मंदिर नहीं जा पाती क्योंकि मंदिर जाने के लिए ना पूरा टाइम चाहिए, बच्चों के साथ में घर से निकलना नहीं होता है कि बच्चों को किसके पास छोड़ कर जाएं। बेटा मेरा छोटा है तो इसको कहाँ छोड़ कर जाऊँ, या इसको लेकर जाऊँ तो इसकी शैतानी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर पूजा करने में मन नहीं लगेगा, इसी का ध्यान रखना पड़ेगा मुझे पूरा टाइम, तो इसी वजह से मैं मंदिर नहीं लेकर जाती इसको। और जब ये स्कूल जाएगा तब मैं शुरू करूँगी मंदिर जाना। और देखिए इसकी शैतानियों की वजह से मैंने पूजा करने के बाद दीपक को कहाँ रखा है उठाकर किचन में, क्योंकि ये ना जरा सा भी काम कर देता है शैतानी, बहुत ज़्यादा शैतानी करता है ये, तो डर लगता है। अभी मैं बना रही थी पकौड़ियाँ कूटू की, तो कूटू की पकौड़ी देखिए मेरी बन रही हैं यहाँ पर, और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो क्या बनाने वाली हूँ, क्या शेयर करने वाली हूँ, तो वो लोग आपको पता चल जाएगा आगे। तो चलिए बना लेती हूँ पकौड़ियाँ, खा लेती हूँ पकौड़ियाँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बना रही थी पकौड़ियाँ कूटू की, और कूटू की पकौड़ियाँ हम लोग व्रत में खा लेते हैं मॉर्निंग में, मतलब जैसे चाय वगैरह के साथ में, या मैंने तो दही के साथ खाई थी। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स का आज शिवरात्रि का फास्ट होगा मेरे, तो आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता सुबह का कूटू की पकौड़ियाँ। और इधर देखिए मेरी बेटी ने क्या बनाया हुआ है, ये आइसक्रीम ये बनाई थी उसने बिस्किट से ओरियो के, तो ओरियो के बिस्किट से आइसक्रीम कैसे बनाई अगर रेसिपी जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इधर देखिए मैं लेकर आई थी कुछ डब्बे, तो कल मैं मार्केट गई थी तो मार्केट से वहाँ से लेकर आई थी 3 डब्बे, तो ये मैंने बनाए थे किचन में। और एक ही लेके आई थी ड्रॉर्स, तो ये वाली ड्रॉर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है मतलब सामान रखने के लिए, तो ये मैं कॉस्मेटिक सामान रखने के लिए ले आई थी अपना, जैसे कि रबड़ बैंड वगैरह होती है ना बच्चों की, हेयर बैंड रबड़ बैंड वगैरह, तो उसी लिए मैं ले आई थी। और ये मतलब कवर्ड में ना काफ़ी स्पेस बचा देती है, सेव करते हैं हमारे स्पेस को भी, तो इसलिए मैं ले आई थी। तो आप लोग बताना कैसी लगी। और अभी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में एक DIY, तो ये देखिए ये है कपड़ा, और आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो, कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, बचा कुचा छोटा मोटा कोई भी, थोड़ा सा ही फैब्रिक चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट ले लिया और उसके सर्कल कट कर रही हूँ, और ये सर्कल कट करना है इसी तरह से। प्लेट का आप नाप ले लीजिए 6.5 इंच या 7 इंच था चौड़ाई इसकी टोटल, तो इसको मैं कट कर लूँगी सर्कल्स को, और इसी के साथ मैं कट कर लूँगी 2 अस्तर इसके नीचे लगाने के लिए। अस्तर आप अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हो, जरूरत के हिसाब से जो भी आपको सही लगे,
ठीक है, मुझे जो सही लगा मैंने वो लगा दिया, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग इसी तरह से दो सर्कल कट कर लीजिए और उसके बाद इसे ना फॉर्म शीट लगा लीजिए इसके नीचे, या फिर कोई अस्तर का कपड़ा हो मोटा वाला आपके पास, जैसे पैंट वगैरह के पीस होते हैं ना वो भी लगा सकते हो मोटे। और अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप जो चावल वगैरह आटे वगैरह में बोरी में कट्टे वगैरह आते हैं ना वो भी लगा सकते हो अंदर। तो अभी मैं इसके चारों तरफ कर लूँगी सिलाई, तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट कर दूँगी। और उसके बाद में कट करने के बाद देख लीजिए क्लीन हो चुका है बिल्कुल, इस तरह से लग रहा है। और इसको ना बीच में से फोल्ड करके दो हिस्से करने हैं, एक पीस में से मुझे ओनली वन पीस में से टू करने हैं, क्योंकि इसमें हमें लगानी है जिप, क्योंकि बिना जिप के तो किट बनती नहीं है ना, तो इसमें लगाऊंगी मैं जिप। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जिप ले सकते हो। तो अभी मैंने इस पर सिलाई लगा कर इसको प्रेस करके मतलब दोबारा से भी लगा दी है सिलाई इसके ऊपर, तो इस तरह से कर दी है ये सिलाई लगाकर। और उसके बाद इसमें ये देखिए हमारे फ्रेश बन चुके हैं दो पीस। और अभी मैंने लिया है येलो कलर का कपड़ा, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं जिसके भी आपको हाथ पैर वगैरह बनाने हैं इसके कछुए के। तो यहाँ पर मैंने दो दो इंच चौड़ाई मतलब लंबाई ली है इनकी, और इस तरह से हाथ और पैर की कटिंग कर ली है, तो आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। तो एक पूंछ, चार पैर और एक मुंह, मतलब छह पीस कट किए हैं टोटल मैंने इस तरह से, आप देख लीजिए। पूंछ का हिस्सा थोड़ा सा छोटा कट किया था क्योंकि पूंछ थोड़ी सी छोटी होती है पैर के मुकाबले, तो इस तरह से इन्हें सीधा कर लेना है सिलाई लगाने के बाद। और ये देखिए मैंने सारे पीसेस सीधे कर लिए हैं, और उसके बाद इसके अंदर भर दूंगी फाइबर। तो आप फाइबर की जगह इसके अंदर कॉटन भर सकते हैं, या फिर इसके अंदर छोटी छोटी कतरन भर सकते हैं, और या फिर जो फॉर्म शीट होती है ना फॉर्म शीट को भी कट करके छोटे छोटे पीसेस में वो भी भर सकते हो। मतलब ये फूला फूला लगना चाहिए थोड़ा सा हाथ पैर, इसीलिए इसके अंदर ये फाइबर भरनी है। तो आप ये देख लीजिएगा इसी तरह से भर लीजिए। और उसके बाद ये देखिए फिल करने के बाद ये देखिए सारे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी मैं इनको इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। तो ये चैन वाला पीस लेना है सबसे पहले हमें, और इस पर देखिए मैंने इस तरह से रखे हैं सारे पीसेस। तो चैन की तरफ जहाँ से चैन स्टार्ट होती है वहाँ पर फेस आना चाहिए कछुए का, और पूँछ आनी चाहिए, एक तरफ पूँछ और एक तरफ फेस आने चाहिए, और बाकी दो दो पैर दोनों साइड में। तो अभी देखिए मैंने सीधा कर दिया है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर दो आइस लगानी है। तो आइस लगाने के लिए मुझे इसमें क्या करना है, बटन लगा लीजिए आप कोई, तो मैंने बटन लगा दिए थे यहाँ पर ब्लैक कलर के। और ये देखिए कंप्लीट हो गई मेरी किट। तो ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है इस तरह की किट। तो इसके अंदर देखिए मैं पेन वगैरह रख के दिखा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें ना पेन वगैरह सब चीज़ें इसी के अंदर आ गई थी, और मेरी डॉटर ने तुरंत ही इसको निकाल लिया था और वो अपने मतलब सामान रखने लगी थी। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। और अगर आपको इसी तरह की और भी किट के बारे में जानना है तो मैं आपको बता दूंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे ज़रूर, तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी अगर आपको जानना है कि किस तरह से बनाई है ये वाली किट मैंने। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, जिससे मेरा वॉच टाइम जल्दी से कम्प्लीट हो जाए। और मुझे बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए आप लोगों की, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये किट बनाने का आइडिया, तो उम्मीद करती हूँ आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा था, और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मैंने ना कल इसका ना एक पिक खींच कर डाल दी थी, तो मेरी देवरानी को ये बहुत अच्छी लगी, तो उसने तो मुझे बोल दिया है कि पहले ही कि एक किट और बना देना मेरी डॉटर के लिए भी। तो मैंने उनको बोल दिया ठीक है मैं बना दूंगी, और बहुत अच्छा लगा उन्हें ये आइडिया। तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा, अगर आपको इसी तरह की और भी बहुत सारी किटें वगैरह बनाने का आइडिया मैं दे सकती हूँ, बना सकती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना, तो मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी वीडियोज़। तो चलिए फिर इसी के साथ कर लेते हैं अपने वीडियो का एंड, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।